नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता ठाकुर। मध्यांचल न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर तत्काल पहुंचे आप तक। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने दमोह एसपी को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पथरिया पुलिस द्वारा लगातार शराब माफियाओं का सहयोग किया जा रहा है एवं क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री जारी है। संगठन के सदस्यों द्वारा वर्षों से नशा विरोधी अभियान के तहत भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़कर पुलिस के हवाले की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा संगठन के सदस्यों का सहयोग नहीं किया जा रहा है। उल्टा शराब माफियाओं का सहयोग कर संगठन के सदस्यों द्वारा पकड़ी गई शराब की मात्रा एफआईआर में कम दर्शाई जाती है, तो वहीं शराब माफियाओं का सहयोग कर संगठन के सदस्यों पर एससीएसटी के तहत फर्जी मामला दर्ज किया गया है। जबकि घटना का जो समय दर्शाया गया है उस समय संगठन के सदस्य पुलिस थाना में मौजूद थे। इसकी सत्यता की जांच सीसीटीवी फुटेज जांच की जा सकती है। पूरे मामले में संगठन के सदस्यों ने मुकदमे को हटाने एवं पुलिस थाना प्रभारी रजनी शुक्ला को पथरिया से हटाने की मांग की है। उक्त मामले में जिला पुलिस अधीक्षक डी आर तैनिवार द्वारा एसडीओपी पथरिया से निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन संगठन के सदस्यों को दिया गया है। देखिए, पथरिया थाना अंतर्गत 8 तारीख की रात्रि को संगठन द्वारा अवैध शराब पकड़ाई गई थी, तो उसमें संगठन की जो जिन सदस्यों ने अवैध शराब पकड़ी थी उसी रात रजनी शुक्ला जी जो टीआई है पथरिया, उनकी और थाना के कुछ पुलिस वालों की मिली भगत से संगठन के सदस्यों पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें हम लोग माननीय एसपी साहब महोदय जी को आवेदन देने आए हैं कि इसकी जांच कराए। ये बड़ी विडंबना है, जो वास्तव में आज समाज के जो सेवक हैं और जो भगवती मानव कल्याण संगठन है, हर जगह समाज हित में मानवता के हित में कार्य कर रहा है और पुलिस द्वारा जो संगठन के सदस्यों पर फर्जी रूप से जो एफआईआर हो रही है ये गलत है, निंदनीय है। जो रजनी शुक्ला जी है उनका यह पूर्णतः गलत है। जिन लोगों ने अवैध शराब पकड़ाई थी उन्हीं लोगों के ऊपर फर्जी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। क्या कुछ कहना है एसपी साहब? एसपी साहब से महोदय से यही कहना चाहते हैं हम लोग कि इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए, जो फर्जी मुकदमा है इसे खत्म की जाए। क्या आश्वासन दिया है हमने? एसपी साहब ने कहा है कि हमने डीओपी से बात की है और इसकी हम पूर्णतः जांच कराएंगे, तब जाके आगे कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच कराएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? यदि ऐसा नहीं होता है इसमें तो हम लोग आगे जो है माननीय हम लोग सागर जाएंगे, आईजी साहब को डीआई साहब को ज्ञापन देंगे और उसकी यदि बात नहीं मानेंगे तो हम लोग आगे जन आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे।